बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वेब हेल्प में। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो हम लेकर आए हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो SMTP का प्लगइन होता है उसकी सेटिंग अपने ईमेल के लिए सी पैनल से कैसे करें। दोस्तों, जो ये सेटिंग होती है, यदि आप अपनी वेबसाइट के मेल किसी मेल आईडी पर चाहते हैं कि अपनी वेबसाइट से किसी को मेल कराना चाहते हैं ऑटोमेटिक, तो ये दो तीन तरीके से होता है, ठीक है। यदि आप अपनी जीमेल से कराना चाहते हैं तो जीमेल से भी हो जाता है। यदि आप अपनी वेबसाइट की मेल से, जैसे कि info.unique-electro-care इस टाइप की जो मेल होती हैं, जो वेबसाइट के पहले इन्फो लग जाता है या लास्ट में जिसका जीमेल या .yahoo ना होकर जो वेबसाइट का नाम होता है, इस टाइप की जो मेल आईडी होती हैं, उनसे आप यदि अपने वर्डप्रेस के द्वारा मेल कराना चाहते हैं, तो उसके लिए जो SMTP का प्लगइन होता है एक, उसका यूज बताता हूँ आपको कैसे होता है, ठीक है। बहुत कई बार हम ऐसा कर लेते हैं, हम ऑनलाइन फॉर्म के लिए अपना जो वर्डप्रेस होता है इसमें ऑनलाइन फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि इससे जो भी कोई फॉर्म फिलअप करे और ऑटोमेटिक हमारे मेल आईडी पे फॉर्म आ जाए और जो हमारा सर्वर वो क्लाइंट होता है, क्लाइंट के पास भी मेल पहुंच जाए, ठीक है। कुछ ऐसी ऑटोमेटिक सेटिंग के लिए हम बहुत से प्लगइनों का यूज करते हैं जो फॉर्म क्रिएट करने में आपकी मदद करते हैं, लेकिन वे सारे जो फॉर्म के आपके प्लगइन होते हैं वो पूरा कार्य नहीं कर पाते। यदि आप अपने वर्डप्रेस से मेल पर कोई मेल कराना चाहते हैं तो आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ती है जो SMTP के द्वारा होती है, ठीक है। चलिए बताते हैं कैसे होता है। सबसे पहले आपको आ जाना है आपके वर्डप्रेस अकाउंट में। वर्डप्रेस अकाउंट में आने के बाद आपको प्लगइन है, जो प्लगइन ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। प्लगइन में आने के बाद आपको यहाँ पे करना है ऐड न्यू प्लगइन, ठीक है। जो मैंने प्लगइन पहले से इंस्टॉल कर रखा है, लेकिन आपको फिर भी मैं बता देता हूँ कहाँ से होगा। जो ये WP मेल SMTP का प्लगइन है, ठीक है, इसे आप इंस्टॉल करेंगे और आपको करना है सेटिंग पर क्लिक। ये जो प्लगइन है मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। और फिर आपको एक ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आएगा जो सेटिंग। सेटिंग में आपको पूरी सेटिंग करनी है। सबसे पहला आता है फ्रॉम ईमेल, जो आपकी ईमेल आईडी है वो आपको ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप कर देनी है। जो ये मेरे क्लाइंट है, इन्होंने बोला था कि जो जीमेल है, जीमेल से ये सारा का सारा एक्सेस चाहते हैं, तो इसलिए मैंने इनका जीमेल डाला हुआ है। यदि ये कोई व्यक्ति वेब मेल के द्वारा चाहता है तो यहाँ पे आप उसकी वेब मेल आईडी डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे जाना है फ्रॉम नेम, जो आपकी वेबसाइट का नाम है या जिस नाम से आपका जाएगा वो आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो या कंपनी का नाम हो, कुछ भी जो आपका नाम हो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद आएगा मेलर, जो आप मेल चाहते हैं वो किसके द्वारा चाहते हैं, PHP के द्वारा चाहते हैं या गूगल के द्वारा चाहते हैं या कोई अदर SMTP भी आपका जो प्लगइन है, ठीक है। तो हम करते हैं अदर SMTP प्लगइन पे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पर अदर वाले पे क्लिक करते हैं तो आपको ये जो सेटिंग है ये फिलअप करनी पड़ेगी। इसके बाद आती है SMTP के जो होस्ट है, इसका आपको यहाँ पर डालना है। जो ये सारी सेटिंग है ये आपको मिलेगी आपके सी पैनल के द्वारा। तो सबसे पहले आपको अपने सी पैनल को खोल लेना है, जो कि आपके होस्टिंग प्रोवाइडर द्वारा आपको प्रोवाइडेड किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले जब आप सी पैनल में आएंगे, सी पैनल में आपको नीचे की तरफ आना है। जो ईमेल वाला सेक्शन है और इसमें लिखा है ईमेल अकाउंट, आपको ये ओपन कर लेना है। ईमेल अकाउंट वाला सेक्शन आपको क्लिक करना है, ये वाला लिंक आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो यहाँ पे देखते हैं जो ईमेल आईडी बनी हुई है वो unique-electro-care@, इसके लिए दिखा रहा है, मतलब डिफ़ॉल्ट ये दिखा रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने पहले से एक ईमेल आईडी यहाँ पे क्रिएट की हुई है इनकी। एक है admin@unique-electro-care.com, एक है info@unique-electro-care.com। तो हम जो इन्फो वाली है, इन्फो वाली से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है सेटअप मेल क्लाइंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जो सेटअप मेल क्लाइंट की जगह यहाँ पे बहुत सारी
और कुछ भी लिखा हो सकता है, जैसे कि मेल एक्सेस, किस टाइप का कोई भी वो लिखा होना चाहिए। इसके बाद आप आ जाते हैं यहाँ पर जो मैनुअल सेटिंग है, इसकी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एक बार देखो जो प्लगइन है, प्लगइन मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे लिखा है नॉन एसएसएल और टीएसएल। यदि आपकी वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट है तो आपको एसएसएल का ही रिकमेंडेड करूँगा, और यदि एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ये वाला ले सकते हैं नॉट एसएसएल। बट जो नॉट एसएसएल है ये रिकमेंडेड नहीं करते हैं हम, क्योंकि ये नॉट सिक्योर, ये कोई सिक्योर नहीं होता, इसे आपको कोई भी हैक कर सकता है। यदि आपकी वेबसाइट SSL है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है सिक्योर SSL TSL सेटिंग रिकमेंडेड। बहरहाल हम देखते हैं जो सबसे पहली हमारी सेटिंग है वो क्या है। इस सबसे पहला है यहाँ पे SMTP होस्ट, ठीक है। SMTP होस्ट में आपको क्या क्या फिलअप करना है दिखाते हैं आपको। जो लिखा है आउटगोइंग सर्वर, आउटगोइंग सर्वर में लिखा है मेल डॉट यूनिक इलेक्ट्रो केयर डॉट कॉम, ठीक है। जो आउटगोइंग सर्वर में आपको ये वाला आना है मेल यूनिक इलेक्ट्रो केयर डॉट कॉम, जो भी आपके वेबसाइट में होगा। मेरी वेबसाइट में तो यहाँ पर यूनिक इलेक्ट्रो केयर से है, तो जो भी आपके वेबसाइट में आउटगोइंग सर्वर है यही आपका SMTP होस्ट होगा। इसके बाद ये दिखा रहा है इनोक्रम्प्टी, यहाँ पर आप नन ले सकते हैं, SSL ले सकते हैं, TLS ले सकते हैं। जिस टाइप का भी आपकी वेबसाइट का सर्वर होगा आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है SMTP का पोर्ट है यहाँ पे, जो मेरा 587 है, यानी 587 है, तो यहाँ से आप 587 डाल सकते हैं। यदि आप SSL यूज कर सकते हो तो 465 होगा, या कुछ भी जो भी आपके सी पैनल में आपको शो हो रहा है आप वो डालेंगे। इसके बाद जो ऑथेंटिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है, और इसके बाद है SMTP यूजर नेम में आपको जो आपकी वेबसाइट की जीमेल है या जो भी आपकी मेल आईडी है, आपको मेल आईडी डालनी है जिस मेल आईडी से आप मेल प्राप्त करना चाहते हैं। और इसमें है फिर SMTP का पासवर्ड, SMTP के पासवर्ड में आपका जो सी पैनल का पासवर्ड है वही आएगा। देखो यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यूजर नेम में तो ये आ जाएगी info@, यूनिक इलेक्ट्रो केयर यानी मेल आईडी आपकी यूजर नेम आ जाएगी SMTP के यूजर नेम में। और जो SMTP का पासवर्ड दिखा रहा है, पासवर्ड पे बता रहा है आपको यूज द ईमेल अकाउंट पासवर्ड, जो आपका ईमेल अकाउंट का पासवर्ड होगा वही आपको वहाँ पे डाल देना। जब यहाँ से ईमेल अकाउंट आप क्रिएट करते हैं, एक बैक करके दिखाता हूँ आपको पासवर्ड कहाँ से आता है। जब यहाँ पे आप अपनी मेल आईडी तैयार करते हैं ये, तो यहाँ पे आपको जो पासवर्ड फिलअप करना होता है, पासवर्ड जो भी आपका होगा वही आपका SMTP का पासवर्ड होगा। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है और ये सब सेटिंग है जो सेव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो ये मैंने किया है जीमेल से जो ये क्लाइंट आईडी है या क्लाइंट सीक्रेट आईडी है, ये आपको मैं बताऊंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में, कि यदि आप जीमेल आईडी से अपने वेबसाइट के मेल चाहते हैं तो वो कैसे होगा, सब कुछ बताऊंगा आपको उसमें। लेकिन ये था हमारा सी पैनल के द्वारा। और दोस्तों जो हमारे फॉर्म होते हैं, फॉर्म क्रिएटर के लिए जो प्लगइन होते हैं, मैं आपको विजुअल फॉर्म बिल्डर रिकमेंडेड करूंगा, क्योंकि एक बहुत अच्छा प्लगइन है जिसे मैं हमेशा यूज करता हूं। इसमें ये पेड भी है और अनपेड भी है, लेकिन इस प्लगइन की एक खास बात है कि इसमें अनपेड वर्जन में जो इसका डेमो वर्जन है आपके पास, उसमें सब कुछ फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे फीडबैक का फॉर्म दिखा दूँ। और एक बात और हमेशा याद रखेंगे, जब भी आप फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी किसी भी टाइप का आपका फॉर्म है, उस फॉर्म में कुछ सेटिंगें होती हैं जो आपको देख लेनी चाहिए। जैसे कि मैं इसके द्वारा दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे लिखा है जो जनरल सेटिंग है, जनरल सेटिंग में ईमेल सेटिंग है, ईमेल सेटिंग में आपको यहाँ पे दिखा रहा है ईमेल का सब्जेक्ट, इसमें आपको वही ईमेल आईडी डालनी है जिस पे आपने SMTP यूज की है, ठीक है। और SMTP के बाद जो ये है रिप्ले टू ईमेल, यानी किस ईमेल आईडी से आपको रिप्ले जाएगा, वो ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डालनी है। जैसे मैंने डाली है unique electrocare@gmail.com, क्योंकि ये जीमेल से चाहते तो मैंने जीमेल डाली है। यदि कोई भी आपका पर्सन या कोई भी कैंडिडेट आपका वेबमेल से चाहते तो आपको वेबमेल की वही आईडी डालनी होगी जो आईडी आपने अपने सी पैनल में इस्तेमाल की है, और जिसका SMTP का आपने सब कुछ सेटिंग अपने वर्डप्रेस में की है, ठीक है। इसके बाद ईमेल्स टू में भी आपको यही डालनी है। और फिर देखो, मुझे यह बहुत अच्छा प्लगइन लगता है, क्योंकि सारे जितने भी हैं
इसमें सब बिल्कुल फ्री हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है इसमें, बहुत अच्छा इसका इंटरफेस देखने को मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म का एक बार आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ, ठीक है। जो फीडबैक वाला फॉर्म था वही आपको दिखा देता हूँ एक बार, या चलो कोई सा भी एक बार फॉर्म दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहा कॉन्टैक्ट फॉर्म, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, योर मैसेज, और इसमें बहुत सारी जैसे सर्विस बुकिंग का है, इसमें आप किसी भी टाइप का फॉर्म बना सकते हैं। मैंने नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, यहाँ से आप देखो ये भी ऑप्शन डाल सकते हैं इसमें, और एड्रेस के लिए एक इसमें स्पेसिफिक होता है, जैसे ही आप यहाँ पे एड्रेस पे क्लिक करते हैं ना, ये रहा एड्रेस, एड्रेस पे क्लिक कर दें तो ये सारे के सारे जितने भी ये सेटिंग अपने आप हो जाती है इसकी, एड्रेस, स्टेट एड्रेस, एपी, सूटेबल ब्लॉग, सिटी हुई आपकी या स्टेट हुआ, और यहाँ पे आप मैंने मैसेज कर डाला है, और इसके बाद कर देना है इसको सबमिट। ये वेरिफिकेशन कोड भी मांगते हैं, यदि आप इसमें वेरिफिकेशन कोड लगाना चाहते हैं तो वेरिफिकेशन कोड भी आ जाता है जो गूगल कैप्चा होता है, या कोई भी सिंपल वेरिफिकेशन हो जाता है वो भी इसमें लगा सकते हैं आप। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको दिखा देता हूँ अपना यूट्यूब चैनल, बस आपको करना है youtube.com/webhelps, वेब हेल्प्स, ठीक है, आपको इतना लिखना है और आपके पास ये हमारा YouTube चैनल पहुंच जाएगा। आप यहां से सब्सक्राइब करें और यहां से आपको जो घंटा बटन है इस पर भी क्लिक कर दें, ताकि आप हमारे किसी भी ट्यूटोरियल से मिस ना हो। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपनी प्रॉब्लम हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप कोई भी हेल्प चाहते हैं तो आप नीचे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।